नमस्कार बच्चों, इस अध्ययनशाला में मैं पवन कुमार त्रिवेदी आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 की जीव विज्ञान की इस कक्षा में पादपों में श्वसन के विषय में अध्ययन करेंगे। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक जीव, जो भी जीव है, चाहे वह जंतु हो चाहे वह पौधा हो, प्रत्येक जीव के अंदर श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अब श्वसन की क्रिया संपन्न होती है और श्वसन की क्रिया में क्या होता है, इसके विषय में हमें आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में अध्ययन किया है। आप लोग जानते हैं कि श्वसन की क्रिया के अंतर्गत प्रत्येक जीव वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करता है और क्या होता है, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। हाँ, एक चीज़ और होती है जो प्रमुख चीज़ है, श्वसन का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो ये है कि श्वसन की क्रिया के द्वारा हमारे शरीर में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका विघटन होता है और विघटन के द्वारा हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। किसी भी जीव को ऊर्जा की प्राप्ति होती है और उस ऊर्जा के द्वारा जो जीवों की विभिन्न उपापचयिक क्रियाएं या भौतिक क्रियाओं के संचालन में सहायता मिलती है। अगर जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में जो श्वसन क्रिया होती है वो कई चरणों में संपन्न होती है, क्योंकि जंतुओं में श्वसन के लिए कुछ विशेष अंग होते हैं, तो उन विशेष अंगों के द्वारा वो जो ऑक्सीजन, वायुमंडल की ऑक्सीजन और CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका आदान प्रदान होता है। जैसा हम लोग अपने लोगों की बात करते हैं, मनुष्यों की बात करते हैं, तो हम लोगों के अंदर क्या है, नाक होती है, नाक से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, फेफड़ों में पहुंचती है, फेफड़ों में पहुंचने के बाद क्या होता है कि और फेफड़ों में भरी हुई CO2 नाक के द्वारा ही बाहर निकलती है। तो पहला क्रिया होती है कि जो ऑक्सीजन होती है, जो हवा होती है, उसको नाक के द्वारा फेफड़ों तक पहुँचाना। फिर फेफड़ों से क्या होता है कि ये इसका हमारी जो रुधिर की जो केशिकाएँ होती हैं वहाँ पर इसका विनिमय होता है विसरण के द्वारा, और यह फिर रुधिर में घुलित अवस्था में यह आगे की ओर इसका परिवहन होता है। तो ऑक्सीजन रुधिर में घुलित अवस्था में विभिन्न कोशिकाओं तक प्रवाहित होती है और विभिन्न कोशिकाओं से जो उसका बाई प्रोडक्ट के रूप में, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो CO2 आती है वो भी रक्त में घुलित अवस्था में आती है और वो हमारे फेफड़ों में आ जाती है, नलिकाओं से फेफड़ों में आ जाती है और फेफड़ों से वो हमारे कहाँ पे, हमारे नाक के द्वारा बाहर कर दी जाती है। अब इस प्रकार से हम देखते हैं ये जो ऑक्सीजन होती है ये विभिन्न कोशिकाओं तक, शरीर जीवों के विभिन्न शरीर कोशिकाओं तक पहुंच जाती है। जो शरीर की कोशिका होती है, जो श्वसन का जो प्रमुख भाग होता है, जो श्वसन का प्रमुख उद्देश्य होता है ऊर्जा की प्राप्ति, तो वो जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर संपन्न होता है। कोशिका का एक प्रमुख भाग है, आप लोगों ने इसका भी अध्ययन पूर्व कक्षाओं में किया है कि कोशिका में एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम का कोशिकांग पाया जाता है जिसके अंदर ऑक्सीश्वसन की क्रिया संपन्न होती है या कोशिकीय श्वसन की क्रिया संपन्न होती है और जिसके फलस्वरूप ऊर्जा की प्राप्ति होती है। बच्चों, तो ये तो जीवों में श्वसन की बात थी। हम लोग जो बात करेंगे आज, तो पहले आज के हम लोग शिक्षण बिंदु देख लेते हैं कि हम लोग शिक्षण क्या क्या आज इस अध्याय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले श्वसन क्या है, जिसके विषय में भी थोड़ा सा हम लोगों ने चर्चा की। पादपों में श्वसन क्रिया कैसे होती है, जो हमारे जो अध्याय का प्रमुख बिंदु है, जो उसका नाम है पादपों में श्वसन। श्वसन क्रिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं, कोशिकीय श्वसन की क्रियाविधि कैसे होती है, कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की नामक जो क्रियाएं होती हैं कैसे संपन्न होती हैं, अनाक्सी श्वसन क्या होता है, और अंत में हम लोग श्वसन गुणांक और श्वसन भागफल के विषय में जानेंगे और फिर आपको कुछ गृह कार्य दिया जाएगा। बच्चों, पहले हम लोग उसकी तरफ चलते हैं, श्वसन की परिभाषा देखते हैं। अभी हम लोगों ने श्वसन के बारे में सामान्य अध्ययन किया, अब इसकी जो वैज्ञानिक एक परिभाषा है इसकी बात करते हैं। तो क्या होता है कि जो यह एक अपचयी क्रिया है, श्वसन क्या है, एक अपचयी क्रिया है। इसमें क्या होता है, विभिन्न पदार्थ, श्वसन की क्रिया में विभिन्न प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थों का विघटन होता है। इस क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड व जल बाहर निकलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसे इस रिएक्शन के द्वारा दिखाया गया है। इसमें ग्लूकोज का चारण विघटन दिखाया गया है, C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन के साथ मिलता है, इसका विघटन होता है तो 6CO2 वहाँ पर बाहर निकलती है, 6H2O पानी प्राप्त होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि यह एक ग्लूकोज का यहाँ पर विघटन दिखाया गया है जो कि एक शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट है।
इसी प्रकार से प्रोटीन और वसा का भी विघटन होता है। श्वसन कितने प्रकार का होता है? श्वसन आप लोग जानते हैं, श्वसन दो प्रकार का होता है। प्रथम है ऑक्सीश्वसन। श्वसन की वह क्रिया जब ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की उपस्थित में संपन्न होती है, ऑक्सीश्वसन कहलाती है। यह हमारे सभी उच्च श्रेणी के जंतुओं में पाई जाने वाली प्रक्रिया होती है। अनॉक्सीश्वसन ऐसी क्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थित में संपन्न होती है, अनऑक्सीश्वसन की क्रिया कहलाती है। ये जो हमारे प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उनके अंदर, उनकी कोशिकाओं के अंदर अनऑक्सीश्वसन की क्रिया पाई जाती है। बच्चों हम लोग, यहाँ प्रश्न उठता है यहाँ पर, क्या जंतुओं की भांति पौधे भी सांस लेते हैं? इस विषय पर थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। पादप में हमने बताया कि श्वसन क्रिया तो होती है, पर किंतु उनके अंदर इस ऑक्सीजन को लेने के लिए विशेष अंग कौन से होते हैं, किन अंगों के द्वारा ये श्वसन क्रिया, उनके जो ऑक्सीजन होती है किस रूप में ये उनके अंदर प्रवेश करती है, तो हम आपको बताएं कि जो हमने जो पौधों में परिवहन अध्ययन किया था, उसका जो तृतीय भाग था जिसमें हमने रंध्रों और वातरंध्रों के विषय में भी विवरण दिया था, तो आपको याद होगा। तो ये जो पौधों में जो ऑक्सीजन का जो आवक, जो ग्रहण करने का जो भाग होता है, वो प्रमुख रूप से रंध्र और वातरंध्र ही होते हैं। पादपों में श्वसन है तो विशेष अंग तो नहीं होते, किंतु पादपों में इस उद्देश्य है तो पत्तियों में रंध्र और तने पर वातरंध्र पाए जाते हैं। जंतुओं की अपेक्षा श्वसन दर बहुत धीमी होती है। पौधों में जो श्वसन दर है बहुत धीमी होती है। क्यों धीमी हो? किंतु प्रकाश संश्लेषण की दर काफ़ी अधिक होती है। आप लोग कभी कभी दिमाग में एक प्रश्न उठता होगा कि आप बता रहे हैं कि पौधे भी श्वसन क्रिया करते हैं, साथ में हम लोग ये भी सुनते हैं कि पौधों के द्वारा जो पौधे जो हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। तो अगर ऑक्सीजन पौधे बनाते हैं और वो खुद भी श्वसन करते हैं, तो वो ऑक्सीजन तो उनके लिए ही पर्याप्त हो जाएगी। वो अपनी ऑक्सीजन छोड़ निकालेंगे और फिर ग्रहण कर लेंगे, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन बना देंगे और श्वसन में ग्रहण कर लेंगे। किंतु फिर हम लोगों के लिए ऑक्सीजन कैसे बच जाती है? तो ऐसे बच जाती है, इसका उत्तर ये होगा, क्योंकि पौधों में श्वसन दर जो होती है वो बहुत धीमी होती है और प्रकाश संश्लेषण काफ़ी तीव्र होता है। तो जब श्वसन, पौधे बहुत धीरे श्वसन करते हैं, तो उनके लिए बहुत कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जितनी अतिरिक्त ऑक्सीजन होती है वो हम लोगों के लिए वो छोड़ देते हैं। पौधों का प्रत्येक भाग गैसीय आदान प्रदान हेतु आवश्यकता का ध्यान रखता है। उसका जो प्रत्येक भाग है वो इस हेतु क्रियाशील होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा निकली हुई ऑक्सीजन गैस का प्रयोग भी अपनी श्वसन क्रिया हेतु करते हैं, अंदर से ही ले लेते हैं और उसका करते हैं। तो इस प्रकार से ये तो सिद्ध होता है कि पौधे भी सांस लेते हैं। अगर एक शब्द में ये प्रश्न का उत्तर देना हो तो हम कह सकते हैं, पत्तियों में उपस्थित रंध्र और वातरंध्र के द्वारा पौधे भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं अर्थात सांस लेते हैं। अब देखते हैं बच्चों, कोशिकीय श्वसन की क्रियाविधि। जो श्वसन होता, कोशिका के अंदर जो पाया जाने वाला श्वसन होता है, जो कि दो प्रकार का होता है, एक ऑक्सीश्वसन और एक अनऑक्सीश्वसन। तो इस दोनों को मिला के बनता है क्या? कोशिकीय श्वसन। तो इस जो कोशिकीय श्वसन की संपूर्ण क्रिया होती है, सामान्य रूप से तीन चरणों में संपन्न होती है। कहाँ पर? उच्च श्रेणी के पौधों में या उच्च श्रेणी के जंतुओं में। ग्लाइकोलिसिस, सबसे पहले जब किसी ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट का जब विघटन होता है, तो इस क्रिया को ग्लाइकोलिसिस के नाम से जाना जाता है। और यह क्रिया ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन दोनों में पाई जाती है। अर्थात उच्च श्रेणी के जंतु हों चाहे निम्न श्रेणी के जंतु हों, दोनों प्रकार के जंतुओं में यह ग्लाइकोलिसिस की क्रिया पाई जाती है। इस ग्लाइकोलिसिस की क्रिया के द्वारा क्या होता है कि ग्लूकोज से पाइरुविक अम्ल का निर्माण होता है। और जब पाइरुविक अम्ल बन जाता है, तो अगर ऑक्सीजन की उपस्थित, पाइरुविक अम्ल का जब ऑक्सीजन की उपस्थित में विघटन होता है या जारण होता है, तो उस क्रिया को हम लोग पहले तो एसिटिल को, पाइरुविक अम्ल का विघटन होता है और एसिटिल को एंजाइम बनता है, और एसिटिल को एंजाइम के बाद क्रेब्स चक्र शुरू हो जाता है, और क्रेब्स चक्र की क्रिया के द्वारा CO2 H2O या अधिक मात्रा और अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। अर्थात पाइरुविक अम्ल का क्रेब्स चक्र के द्वारा विघटन होता है, अर्थात पाइरुविक अम्ल का विघटन होता है, फिर क्रेब्स चक्र होता है। तो ये इस क्रिया द्वारा होता है, विधि द्वारा होता है। अगर पाइरुविक अम्ल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसका विघटन हो, अर्थात पाइरुविक अम्ल यहाँ तक तो सामान्य है, पर यदि कोशिका में श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपस्थित नहीं हो, तो उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में पाइरुविक अम्ल अनाक्षी विधि से
श्वसन करता है और वहाँ पर फिर अल्कोहल का निर्माण होता है। इस विधि हेतु अनाक्सी श्वसन है तो ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती और यहाँ पर बहुत कम मात्रा में ऊर्जा निकलती है, बहुत कम मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ दूरी तक समानता और उसके बाद एक दो अलग अलग शाखाएं विभाजित हो जाती हैं। आइए अब आगे इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं कि ग्लाइकोलिसिस किस प्रकार से होता है। ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज के प्रत्येक अणु से पाइरूविक अम्ल के दो अणु बनते हैं। यह क्रिया जो होती है यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ग्लूकोज का जब विघटन होता है तो पाइरूविक अम्ल के दो अणुओं का निर्माण होता है, यही ग्लाइकोलिसिस होता है। कोशिका द्रव्य में ये संपन्न होने वाली क्रिया होती है। इस यह क्रिया पूरी तरीके से अवायवीय होती है, एनरोबिक होती है, इसमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं होती। यह क्रिया ऑक्सीशेषण और अनऑक्सीशेषण दोनों में समान रूप से पाई जाती है। ग्लाइकोलिसिस की संपूर्ण क्रिया में दो ATP अणु प्रयुक्त होते हैं, अर्थात दो ATP अणुओं की वहाँ आवश्यकता होती है ग्लाइकोलिसिस की क्रिया को शुरू करने के लिए। आगे दिखाते हैं कैसे। ग्लाइकोलिसिस की संपूर्ण क्रिया में चार ATP शुद्ध अणु प्राप्त होते हैं किंतु दो ATP वहाँ प्रयुक्त हो जाते हैं, इसलिए शुद्ध लाभ दो अणुओं का होता है। दो अणु NAD × 2H के प्राप्त होते हैं जो कि 6 ATP के बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से हमें ग्लाइकोलिसिस की कुल क्रिया के द्वारा ऊर्जा की जो कुल प्राप्ति होती है वह 10 ATP की होती है और जो संपूर्ण इसका शुद्ध लाभ होता है वह 8 ATP का होता है। क्यों शुद्ध लाभ कम क्यों हो गया? क्योंकि दो ATP जो होते हैं वो उस ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में प्रयुक्त हो जाते हैं, इसलिए 10 ATP प्राप्त होते हैं माइनस दो ATP जो प्रयुक्त हुए अगर उनको माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, तो 8 ATP का शुद्ध लाभ होता है। देखते हैं ग्लाइकोलिसिस की क्रिया बच्चों कैसे होती है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया में ग्लूकोज का विघटन होता है जैसा मैंने आपको बताया, तो ग्लूकोज का हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थित में जब क्रिया होती है तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का निर्माण होता है। ग्लूकोज 6-फॉस्फेट जो होता है फॉस्फोहेक्सोआइसोमेरेज एंजाइम की उपस्थित में फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जब फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये क्रिया करता है और यहाँ पर फिर 1 ATP, पहले जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना था पहले चरण में वहाँ 1 ATP का जरूरत पड़ी थी इस क्रिया को शुरू करने के लिए, और जब इस क्रिया में फिर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट का परिवर्तन होता है जब, तो उस इस क्रिया में भी 1 ATP की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ मैग्नीशियम आयंस की भी आवश्यकता होती है। और इसके बाद जब फ्रक्टोज 1,6-डाइफॉस्फेट का निर्माण हो जाता है तो फिर एल्डोलेज एंजाइम की उपस्थिति में ये जो है 3-फॉस्फेनॉल जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड जो होता है ये फॉस्फेट एंजाइम की उपस्थिति में 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में ये जो 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड होता है ये 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है। यहाँ पर हमें 2 NAD × 2H की प्राप्ति होती है। यहाँ पर दिखाया जा रहा है यहाँ पर भी प्राप्त ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके बाद जब 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक ये जो एसिड होता है यह जब इसके अगले चरण में 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है और इस क्रिया में भी 2 ATP ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड काइनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया होती है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज एंजाइम की उपस्थिति में 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है और इसके बाद 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड एनोलेज एंजाइम की उपस्थिति में 2-फॉस्फेनॉल पाइरूविक एसिड का निर्माण करता है। जो 2-फॉस्फेनॉल पाइरूविक एसिड होता है यह फॉस्फो पाइरूवेट एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया होती है इसके साथ में और ये इसके द्वारा पाइरूविक अम्ल का निर्माण होता है। इस क्रिया में भी क्या होता है ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ATP के रूप में 2 ATP ऊर्जा प्राप्त होती है। आप लोग इसको इस चित्र के द्वारा भी समझ सकते हो और इस चित्र में भी हमने यहाँ पे 1 ATP का ये प्रयुक्त 1 ATP प्रयुक्त यहाँ पर NAD दिखाए गए हैं जो इसमें निकल रहे हैं NAD × 2H के रूप में, यहाँ पर ATP के रूप में ऊर्जा प्राप्त यहाँ पर होती है, यहाँ पर H2O निकलता है और ये जो अंतिम स्टेप होता है यहाँ पर फिर ATP प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो ये प्राप्त होते हैं ये 2 NAD × 2H की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से देखते हैं ग्लूकोज पाइरूविक अम्ल के रूप में परिवर्तित हो गया किस क्रिया में, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया के द्वारा। इसके बाद बच्चों हम देखते हैं कि जो पाइरूविक अम्ल बनता है अब इसका विघटन कैसे होता है, ये इसका आगे क्या होता है।
क्या होता है कि किसी भी जीव में जो पाइरुविक अम्ल होता है इसका विघटन दो प्रकार से हो सकता है। कैसे? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुविक अम्ल का विघटन होता है तो इससे हमारी जो ऑक्सीजन की क्रिया होती है वो आगे बढ़ती है, और दूसरा जो होता है जब पाइरुविक अम्ल का विघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो इससे हमारी अनऑक्सीजन या किण्वन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। इसका अध्ययन, इसका विवरण हम पूर्व में भी दे चुके हैं। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण कैसे होता है, क्या होता है। ये जो होता है, जो हमारा पाइरुविक अम्ल होता है, ये साइटोसोल में उत्पन्न होता है, और साइटोसोल में उत्पन्न होने के बाद यह और दो अणु में उत्पन्न होता है, जैसा बताया ग्लूकोज से दो पाइरुविक अम्ल बनते हैं, दोनों अणु जो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश कर जाते हैं, और जब दोनों अणु माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करते हैं तो यह दोनों एनएडी तथा कोएंजाइम ए के साथ संयुक्त होते हैं और एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण करते हैं। ये इसकी प्रमुख क्रिया होती है, और इस एसिटाइल को दो अणु एसिटाइल कोएंजाइम बनते हैं, और इस क्रिया में भी दो कार्बन डाइऑक्साइड के अणु जो होते हैं मुक्त होते हैं, तथा यहाँ पर दो अणु एन ए डी इंटू टू एच के भी प्राप्त होते हैं, अर्थात जिनके जो कि 6 एटीपी अणुओं के बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से जो पाइरुविक अम्ल का विघटन होता है तो उसकी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब उसका विघटन होता है तो 6 एटीपी अणुओं का शुद्ध लाभ भी होता है, और ये एसिटाइल कोएंजाइम की कोएंजाइम ए का निर्माण करता है। अब आगे देखते हैं कि क्रेब्स चक्र, जिसको हम लोग टीसीए साइकिल, ट्राइक्लोरोक्सिलिक एसिड साइकिल, एसिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है क्रेब्स चक्र में? जो हमारे ग्लाइकोलिसिस की क्रिया के द्वारा पाइरुविक अम्ल बना, फिर पाइरुविक अम्ल का विघटन हुआ तो क्या बनता है हमारा, उसमें बनता है, जो बनता है क्या कहते हैं उसको, फिर ये क्रिया शुरू हो जाती है। जो हमारा क्रिया जो होती है क्रेब्स चक्र की, ये माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। इसकी जो खोज होती है, जो खोज है इसकी, जो हैंस एक क्रेब नामक वैज्ञानिक ने सन 1937 में इसकी खोज की थी। क्रेब्स चक्र में जो एसिटाइल कोएंजाइम होता है, ये इसका पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा CO2 के दो अणु निकलते हैं, जैसा भी बात किया ग्लूकोज पाइरुविक अम्ल, पाइरुक्लम से एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम का जब पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो यहाँ CO2 के दो अणु निकलते हैं, और इस चक्र के द्वारा जो हमें जो शुद्ध प्राप्ति होती है, क्या होता है कि NAD इंटू 2H के तीन अणु प्राप्त होते हैं, FAD इंटू 2H का एक अणु प्राप्त होता है, और एक अणु शुद्ध ATP की प्राप्ति होती है। और ये अणु जो प्राप्त होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में के द्वारा इनके द्वारा ATP का परिवर्तन किया जाता है, और इस प्रकार से इस क्रेब्स चक्र के द्वारा हमें एक चक्र में 12 ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। चूँकि एसिटाइल कोएंजाइम के दो अणुओं का निर्माण हुआ था, अतः यह चक्र जो एक ग्लूकोज के सापेक्ष में क्रेब्स चक्र की क्रिया भी दो बार संपन्न होती है, और दोनों बार में, एक प्रथम बार में 12 ATP तथा द्वितीय बार में फिर 12 ATP, इस प्रकार कुल मिला के क्रेब्स चक्र के दौरान 24 ATP अणुओं का शुद्ध लाभ हो जाता है। क्या है? एक ग्लूकोज के सापेक्ष 24 ATP बनते हैं क्रेब्स चक्र में। आगे देखते हैं बच्चों, इस जो क्रेब्स चक्र का है इसका यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, और इसको दिखाया गया है। क्या यहाँ पे दिखाया गया है कि जो ग्लूकोज से तो पाइरुविक अम्ल बन रहा है, और उधर प्रोटीन का दिखाया गया। मैंने शुरुआत में बताया था कि वसा और प्रोटीन का भी विघटन हो सकता है, और इसके विघटन के द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है कि जब पाइरुविक अम्ल से भी एसिटाइल कोएंजाइम बनता हुआ दिखाया जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, वसा के द्वारा भी एसिटाइल कोएंजाइम बनता है, प्रोटीन्स भी विघटित होकर एसिटाइल कोएंजाइम का निर्माण करता है। अर्थात क्या हुआ कि हमारा जो चाहे वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, तीनों जो हमारे कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये हमारे श्वसन क्रिया में कार्बनिक पदार्थ जो उसका मुख्य पदार्थ जो है उसके भूमिका अदा करता है, और इसका जब जारण होता है तो उससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब ये जो क्रेब्स चक्र की शुरुआत होती है, ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ये एक यहाँ पर इसका ध्यान देना बहुत आवश्यक है, जो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड होता है यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम के साथ मिलकर इस क्रिया की शुरुआत करता है, और इस जो क्रेब्स चक्र होता है, इस क्रिया का जो अंतिम पदार्थ होता है वो भी ऑक्सैलोएसिटिक एसिड ही होता है। अतः ऑक्सैलोएसिटिक एसिड की कोई बाहर से कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये इस क्रेब्स चक्र के दौरान निरंतर बनता रहता है, और इसका इस चक्र में उपयोग होता रहता है। सबसे पहले ऑक्सैलोएसिटिक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम के साथ मिल करके सिट्रिक सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करता है, और सिट्रिक एसिड का निर्माण करता है। इसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहा गया है। ये सिट्रिक एसिड आयरन की उपस्थिति में
आयरन की उपस्थिति में एकोटिनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करता है और सिस एकोनिटिक एसिड का निर्माण होता है। जो सिस एकोनिटिक एसिड है पुनः एकोनिटेज एंजाइम की उपस्थिति में आयरन की उपस्थिति में क्रिया होती है और यह आइसोसिट्रिक एसिड का निर्माण करता है। जब आइसोसिट्रिक एसिड का निर्माण होता है तो यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ अणु के साथ मिलकर H2O भी बनता है जो बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से भी एक अणु H2O का बाहर निकलता है। फिर क्या होता है कि आइसोसिट्रिक एसिड आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करता है, ऑक्सैलोसक्सीनिक एसिड बनाता है। ऑक्सैलोसक्सीनिक एसिड जो होता है ये डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करके अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड का निर्माण करता है। जब अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड जो होता है ये अल्फा कीटोग्लुटारिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में विघटित होता है और सक्सिनिल एस को एंजाइम का निर्माण करता है और इस क्रिया में भी एक अणु पानी का मुक्त होता है। एक अणु वहाँ पर दिखाया गया था और दूसरा जो है यहाँ पर बाहर निकलता हुआ, जो आइसोसिट्रिक एसिड से परिवर्तन हो रहा था ऑक्सैलोसक्सीनिक एसिड में, तब एक अणु है पानी का बाहर निकला। दूसरा अणु पानी का बाहर कब निकल रहा होता है कि जबकि अल्फा कीटोग्लुटारिक एसिड से सक्सिनिल एस को एंजाइम का संश्लेषण हो रहा होता है। क्रिया आगे बढ़ती है, सक्सिनिल एस को एंजाइम सक्सिनिल थायोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में सक्सिनिक एसिड के रूप में परिवर्तित हो जाता है और ये सक्सिनिक एसिड सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में फ्यूमेरिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है। फिर क्या होता है जब ये फ्यूमेरिक एसिड के रूप, यहाँ पर भी जब ये फ्यूमेरिक एसिड के रूप में परिवर्तित होता है तो वहाँ भी एक जो पानी का एक अणु बाहर निकलता है। फिर क्या होता है जब ये फ्यूमेरिक एसिड बन जाता है तो इसलिए बाहर से एक अणु पानी की इसको आवश्यकता भी होती है, इस पानी के अणु को ये ग्रहण करता है और फिर क्या होता है कि मैलिक एसिड के रूप में फ्यूमेरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये फ्यूमेरिक एसिड जो होता है मैलिक एसिड में परिवर्तित होता है और मैलिक एसिड फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के रूप मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में मैलिक एसिड पुनः ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात जहाँ से क्रिया शुरू हुई थी जिस पदार्थ को लेकर के वही पदार्थ जो है पुनः उसकी प्राप्ति हो रही है और इस क्रिया में भी एक H2O का बाहर निकलना होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चार जगह पर यहाँ पर H2O बाहर निकलते हुए दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर ये और ये सभी क्या होता है और ये जो H2O दिख रहे हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इसको जो ऊर्जा का प्रवाह है उसको भी यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो दूसरा चक्र बताया गया है यहाँ पर NAD into 2H एक जगह पर, ये दूसरी जगह पर यहाँ पर अल्फा कीटोग्लुटारिक के बाद और यहाँ पर फिर जब मैलिक अम्ल से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता अम्ल बनता है तो पुनः यहाँ पर NAD into 2H का निर्माण दिखाया गया है। इस चक्र को आप लोग घर में बनाकर इसकी प्रैक्टिस करिए, ध्यान से इसको समझिएगा और ये देखिएगा यहाँ पर इस चक्र में ये दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो ADP बनती हैं वो किस तरीके से ATP पूल के रूप में बीच में इसको इकट्ठा होते हुए दिखाया जा रहा है। जहाँ जहाँ पर भी NADD ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है उसको फिर बीच में वो कैसे होती है, ये इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के द्वारा ये इस रूप में परिवर्तित होती है। आगे चलते हैं बच्चों, जो तीसरा हमारा अंत है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र क्या होता है। शोषण प्रक्रिया के दौरान जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह NAD into 2H तथा FAD into 2H के रूप में संचित होती है। संचित ऊर्जा को उपयोग में लाने हैं तो ATP के रूप में परिवर्तन करने का कार्य आवश्यक होता है। अर्थात किसी भी ऊर्जा का जो हम उपयोग करते हैं, कोई भी जो उपयोग करता है वह ATP के रूप में करता है। तो इसको जो परिवर्तित करने का कार्य होता है वह इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के द्वारा संपन्न होता है। इस प्रक्रम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वह ऑक्सीजन में स्थानांतरित हो जाता है। यह जो क्रिया होती है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र की, यह माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली में संपन्न होती है। भीतरी झिल्ली आप जिसको जानते हो, जो उसकी अंतर झिल्ली जो क्रिस्टी बनाती है, तो क्रिस्टी और बाह्य भित्ति के बीच की जो स्थान होता है उसी को हम लोग जो झिल्ली जो उसी में ये क्रिया संपन्न होती है। यह एक ऐसा उपापचयी पथ है जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन एक वाहक से अन्य वाहक की ओर गुजरता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में इलेक्ट्रॉन की जो स्थानांतरण होता है उसको हम लोग सामान्य रूप से चार चरण में उसके स्थानांतरण को तथा पाँचवें चरण में ATP का जो संश्लेषण है उसको हम लोग समझ सकते हैं, उसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। तो जो पहला है चार चरणों में इलेक्ट्रॉन का जो स्थानांतरण होता है उसको समझते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर चार प्रकार के कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता है। जो हमारा कॉम्प्लेक्स X होता है वो NAD into 2H डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है।
यह NAD इंटू 2H से इलेक्ट्रॉन इस कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करता है और फिर यह इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन पर पहुंचते हैं तथा चार प्रोटॉन जो होता है मैट्रिक्स से अंतराझिल्ली स्थान में आ जाते हैं। इसको यहाँ पर देखिए दिखाया गया है कि जो कॉम्प्लेक्स एक होता है ये NADH2 से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और फिर क्या है यूबिक्विनोन में पहुँच जाता है। जो हमारा कॉम्प्लेक्स दो होता है वो FADH2 से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है जिसको कॉम्प्लेक्स टू सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है सक्सिनिक अम्ल से इलेक्ट्रॉन FAD इंटू 2H के माध्यम से यूबिक्विनोन पर पहुंचते हैं। फिर क्या होता है कॉम्प्लेक्स थ्री में जो साइटोक्रोम हमारा कॉम्प्लेक्स होता है इसमें जो है इसको ये इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स थर्ड जो कि साइटोक्रोम से निर्मित होता है वहाँ पर ये ले जाया जाता है। कॉम्प्लेक्स चार जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के नाम से जाना जाता है कॉम्प्लेक्स चार में इलेक्ट्रॉन आणविक ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्स चार से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आणविक ऑक्सीजन पर चले जाते हैं और जहाँ पर जल का निर्माण होता है। इस प्रकार ये हमारा जो चार चरण है इसमें इसका इलेक्ट्रॉन परिवर्तन समझ सकते हैं। जो हमारा पाँचवा चरण है यहाँ पर दिखाया गया जो हम जिस अंतःझिल्ली की बात कर रहे थे वो ये होती है जिसके ऊपर ये क्रिस्टी की भित्ति है जिसके ऊपर सूक्ष्म कण पाए जा रहे हैं जिनको हम लोग ऑक्सीसोम्स भी कहते हैं F1 कण भी कहते हैं FO पार्टिकल्स भी के नाम से भी उनको जानते हैं। ये क्रिया उसके अंदर संपन्न होती है। इसको अगर हम थोड़ा सा मूव करते हैं तो देखते हैं ये F1 पार्टिकल है ये इसके नीचे की जो भित्ति है इसके अंदर ये क्रिया यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन ये कॉम्प्लेक्स प्रथम ये द्वितीय तृतीय और चतुर्थ के द्वारा किस प्रकार से यूबिक्विनोन के अंदर इस इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है यहाँ दिखाया गया है और फिर ये F1 पार्टिकल्स में जाती है जहाँ पर ADP से ATP का संश्लेषण होता है। जो हमारा इसको हम लोग ATP सिंथेज कॉम्प्लेक्स 5 के नाम से यहाँ पर इसको जानते हैं लिखा नहीं है इसको पर इसको कॉम्प्लेक्स 5 के नाम से भी जाना जाता है। ATP सिंथेज दो इकाइयों से बना होता है CFO तथा F1 जो कि एक व्रंथ के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी से जुड़े होते हैं। संवृत्त कण है जिनको ऑक्सीसोम्स कहते हैं ये ऑक्सीसोम्स की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर। इन कणों पर ATP से ATP का निर्माण किया जाता है। जब NAD इंटू 2H से ATP का निर्माण होता है तो 3 ATP बनते हैं और जब FAD इंटू 2H से बनते हैं तो 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है। ATP निर्माण की यह क्रिया जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के F1 कण या ऑक्सीसोम्स के अंदर संपन्न होती है। इसका सारांश देते हैं हम ऑक्सीसेशन का पूरा जब सारांश होता है तो हमारे ये ग्लाइकोलिसिस की क्रिया है जिसमें 8 ATP बनते हैं फिर हमारा पाइरुविक अम्ल का विघटन होता है 6 ATP प्राप्त होते हैं फिर जो हमारा क्रैश चक्र संपन्न होता है इसे 24 ATP होते हैं और इसका जो पूरा समरी होता है जब योग करते हैं तो ग्लूकोज प्लस 6O2 इज इक्वल टू 6CO2 बराबर प्लस 38 ATP और 36 ATP ऊर्जा की नेट प्राप्ति होती है। ऑक्सीसेशन या किण्वन यह क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थित में संपन्न होती है। पाइरुविक अम्ल का इसमें बिकार्बोक्सिलीकरण होता है एस्टाल्डिहाइड बनता है एस्टाल्डिहाइड NAD इंटू 2H के द्वारा अपचयित होकर अल्कोहल बनाता है। ग्लूकोज के विघटन से 2 अल्कोहल या 2 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनते हैं तथा 2 ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है। यह क्रिया विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं और कवकों में पाई जाती है। इस क्रिया के द्वारा पाइरुविक अम्ल से एथिल अल्कोहल जब ईस्ट में होता है अल्कोहल बनता है लैक्टिक अम्ल लैक्टोबैसिलस जीवाणु के अंदर एस्टिक अम्ल एस्टोबैक्टर कुछ जीवाणु में ब्यूटारिक अम्ल बैसिलस व क्लोसिडियम नामक जीवाणु के अंदर बनता है। ये अनऑक्सीसेशन की हमारी वो क्रिया है। आखिरी जो हमारा इसका बिंदु था श्वसन गुणांक अनऑक्सीसेशन ऑक्सीजन की अनुपस्थित में जो क्रिया हुई। अब इसके बाद देखते हैं श्वसन गुणांक। श्वसन क्रिया में निष्कासित हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस व अवशोषित ऑक्सीजन गैस के जो आयतन का अनुपात होता है उसके श्वसन गुणांक कहा जाता है जिसको हम RQ भी कहते हैं। RQ बराबर क्या होता है निष्कासित CO2 का आयतन अपॉन अवशोषित O2 का आयतन। जब इस प्रकार से हम करते हैं तो जब शर्करा का निकालते हैं तो श्वसन गुणांक हमेशा 1 आता है। वसा का श्वसन गुणांक हमेशा 1 से कम होता है। प्रोटीन का श्वसन गुणांक भी जो है 1 से कम होता है। जो कार्बनिक अम्ल होता है इसका श्वसन गुणांक 1 से अधिक होता है। मांसल पौधों का श्वसन गुणांक हमेशा 0 होता है किंतु जब ऑक्सीसेशन की बात करते हैं तो इसका श्वसन गुणांक अनंत होता है। बच्चों इस प्रकार से हम देखते हैं कि श्वसन के विषय में आपने आज काफ़ी कुछ अध्ययन किया है। गृह कार्य के विषय में देखते हैं पहला आपका कार्य क्या होगा कि ऑक्सीसेशन अनऑक्सीसेशन में क्या अंतर है इसको आपको बताना है। नब दूसरा प्रश्न जो हमारा है ऑक्सीसेशन की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती है इसके बारे में बताइए। ATP को पपजे जगत का सिक्का कहते हैं क्यों। चौथा प्रश्न है मांसल पौधों का श्वसन गुणांक 0 क्यों होता है। चौथा है बीज भरे गोदाम को खोलने पर गर्मी निकलती है ऐसा क्यों होता है। और पांचवा हमारा प्रश्न होगा पौधे लगे गमले को रात वाले को सोने वाले कमरे में नहीं रखते हैं क्यों। ये हमारे 2-3 क्रियात्मक प्रश्न इनके विषय में भी आप अध्ययन करिए पुस्तिका में लिखिए। चैप्टर इस अध्याय को ही विराम देते हैं। नमस्कार।